press the bell icon on the YouTube app. सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जैसे आपको इनोटेक जो फिटिंग होती है तो उसको लगाना, तो किस तरीके से लगाते हैं। जैसे आपकी मार्बल किचन है तो उसमें जो फिटिंग करनी है आपको किस तरीके से करनी है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे आपको लगानी फिटिंग तो ये देख सकते हैं, जैसे ये हमारी बास्केट है तो इसको जो लगाना हमें किस तरीके से फिटिंग करते हैं, जो हमारी मार्बल में जो फिटिंग करनी है हमें, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखना आज तक। तो आपको बास्केट में लगाने के लिए जैसे अपना चैनल लगते हैं तो मेल फीमेल लगाते हैं, तो मेल फीमेल से मजबूती ज़्यादा रहती है, हमारे दोनों तरफ से टाइट हो जाता है। जैसे हमारे नट बोल्ट हम लगाते हैं तो उसमें हमारा जो टाइट होता चैनल तो वो टाइट नहीं हो पाता, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। जैसे हमारा उस एक साइड जगह है टाइट करने की, एक साइड नहीं होती है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। मेल फीमेल में दोनों साइड से आप इसको टाइट कर सकते हो, तो इससे ये फ़ायदा। और आपका जो लगता है मेल फीमेल इस तरीके से लगता है, जैसे हमारा सॉफ्ट क्लोज चैनल हो गया या अपना टेलीस्कोप जो भी चैनल आपको लगाना उसमें आसानी से लग जाता है। जैसे आपके मार्बल की मोटाई 7 इंची है तो उसमें 1 इंची का साइज ले सकते हो आप। अगर आपका 7 इंची की मोटाई है मार्बल की तो उसमें जैसे 7 इंची होगी तो 1 इंची, और अपना जो 1.5 इंची का मार्बल हो गया तो उसमें आप 7 इंची का इस तरीके से ले सकते हो। तो इसमें जो हमारा पेच होता है, जो हमारा जो टाइट होता है पेच, तो उसमें हमारा जो साइज आता है 0.5 इंची से ज़्यादा साइज आता है, 500 इस तरीके से आता है, तो उसमें हमारा टाइट आराम से हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है इस तरीके से। इसमें अपना इनोटेक में जो लगती है चैनल इस तरीके से लगती है। इसके फिटिंग के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, इसमें किस तरीके से आप इसको फिट कर सकते हो। तो जैसे अपना लगाना, तो इसमें ये अपना जो साइज होता है इसका, जैसे 20 इंची है तो 20 इंची की इस तरीके से इसमें लॉक लगता है। जैसे अपना फ्रंट का मत्था होता है तो ये अपना बाहर मत्थे के लिए होता है लॉक्स। और हमें जो बैक साइड में लगाना होता है, जैसे हमारा बैक साइड में जो हमें पिलाई लगानी होती है, इसमें इसमें दो साइडों में ही आपका चैनल का आता है, बाकी आपको पिलाई से ही बंद करनी होती है। नीचे भी बेस का पिलाई का होता है, पीछे भी बेस पिलाई का होता है, और फ्रंट भी। बाकी बास्केटों में ऐसा नहीं होता, तो इसमें इस तरीके से ये लॉक लग जाते हैं। और आपको जो सिल्की लगानी है तो इस तरीके से ये सिल्की लगती है। इसके लॉक्स बता देता हूँ मैं आपको, जो लगाने हैं इसमें तो ये लॉक ऐसे ऊपर से लग जाते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ध्यान से वीडियो देखें, आपको इसमें समझ में आएगा आसानी से। तो इस तरीके से ये लगती है, अपना ये देख सकते हैं इसमें लॉक, इसमें ये अपना इस तरीके से फंस जाता है। तो ये लॉक इसमें लगाने के बाद, जैसे आपके 3 सिल्की या 2 सिल्की जो भी आपका साइज आता है, जिस हिसाब से आपकी बास्केट आती है, 6 इंची 4 इंची में आता नहीं है, 6 इंची में 1 आती है और 8 इंची में 2 आती है। तो इस तरीके से इसमें ये सिल्की आती है, तो इस तरीके से ये लॉक लग जाते हैं। ये लॉक्स लगाने के लिए बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपने एक बार देख लिया तो उसके बाद आपके ध्यान से ये उतरेगा नहीं, आप इसको जान जाओगे लगाना और सीख जाओगे। तो इस तरीके से ये अपना आगे मत्थे में लग जाता है, जैसे हमारा मत्था था तो वहाँ पर उसको ड्रिल करके सुराख करके मत्थे का भी दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में। तो इसमें इस तरीके से जैसे आपको लगाना, ये पीछे वाली जो पत्ती होती है वो इस तरीके से लगती है हमारी पत्ती। जैसे हमारा बोर्ड आता है, जैसे हमारा जो पीछे का बैक बोर्ड होता है तो उसके पीछे से बेस पेज जो होते हैं हमारे टाइट होते हैं, और इसमें ये दोनों साइड का होता है। इस तरीके से ये लॉक्स होते हैं, ये अपना लॉक इस तरीके से आते हैं, तो इसमें इस तरीके से लॉक्स फंस जाते हैं। तो इससे हमारा जो मोटाई की पिलाई होती है, जैसे आपको पिलाई लगानी है तो ये अपना 500 पिलाई मोटी लगा सकते हो आप। तो इसमें 15 mm की पिलाई लगती है, नीचे बेस में भी और अपने बैक में भी। ये अपने पीछे से पेच टाइट हो जाते हैं, इसमें सनमाइका लगा के आप लगा सकते हैं, जैसे भी आपको लगाना उस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे आपको साइज लेना, साइज उस हिसाब से लेना, जिस हिसाब से आपका जैसे गिलास हो गया, कटोरी हो गया, उस हिसाब से आपको साइज लेना होता है। जैसे आपको लगाना तो मार्बल में जो फिटिंग करनी है तो इस तरीके से होती है, और इसमें आपको ड्रिल करनी होगी। आपको जो इसका निशान लेना है जैसे चैनल का, तो 3 सूत अंदर करके ही लगाएं, जैसे मार्बल का जो फ्रंट आता है उससे 3 सूत अंदर करके लगाएं। 3 सूत अंदर करके इसलिए लगाना आपको, जो हमारा मत्था जो फ्रंट है तो वो इसके लेवल में आ जाए, तो हमारे यानी कि अंदर की तरफ को ये खींच के रखे मत्थे को, तो प्लान रहे तो उसी तरीके से आपको ये लगाना। 3 सूत आपको हमेशा याद रखना, 3 सूत आपको पीछे अंदर करके चैनल लगानी होती है। तो उसके बाद अपना जहाँ पर निशाना है आप इस तरीके से ड्रिल कर सकते हैं। 1.25 सूत की बिट है, 1.25 सूत की बिट ले मैं अपनी जेके की, जेके कंपनी की 1.25 सूत की बिट से ही आप ड्रिल करें। अगर आप इससे मोटी बिट से करते हैं तो आपके मार्बल में लूज़ होने के चांस हैं। अगर आप क्या कहें मेल फीमेल लगाते हो, चैनल कसते हो, तो उसमें लूज़ हो जाएगा अगर ज़्यादा मोटी बिट लगाते हो आप।
तो इसमें सवा सूत की बिट लगेगी आपकी। और आप जो इसको ड्रिल करोगे तो ड्रिल मशीन से ही करना है आपको, हैम्बर से नहीं करना। हैम्बर से करते हो तो आपका टूटने का चांस है। आप ग्लेंडर से भी कर सकते हो, ग्लेंडर की बिट भी आती है इसमें। अगर आपको मार्बल में और आसानी से करने तो आपका ग्लेंडर का बिट आता है। ग्लेंडर का बिट महंगा होता है और ये ड्रिल मशीन का आपका सस्ता होता है। तो ये 30-40 रुपये का बिट मिल जाता है, आप मार्केट से ले सकते हैं, हार्डवेयर दुकान पर मिल जाता है, अवेलेबल होते हैं तो वहाँ से मिल जाते हैं। ग्लेंडर का 250-300 रुपये का बिट आता है, वो महंगा आता है, उससे थोड़ा आसान होता है करना, मगर ड्रिल से थोड़ी सी मेहनत है। मगर काम दोनों सेम ही करते हैं, सुराख दोनों को ही सेम करने हैं। इसमें आपका 5 मिनट लगेगा तो उसमें 10 मिनट लगेगा, ऐसे तरीके से सुराख होते हैं। तो इसमें आप इस तरीके से लगा सकते हैं, और उसमें अपना जो ये लॉक्स होते हैं इस तरीके से लॉक्स निकल जाते हैं। ये देख सकते हैं अपना जो लॉक है हमारे, ये लॉक दबा के जो हमारे पीछे की जो बैक पत्ती होती है उसको दबा, जैसे ये अपना ऊपर उठा के इस तरीके से हमें निकालना होता है ये, और ये अपने जो पीछे के वो निकल जाते हैं। उसके बाद आपको प्लाई में टाइट करनी है चैनल, प्लाई में टाइट करनी है आपको जैसे 1/2 इंच के पेच। अगर आपकी जैसे 5 सूत की प्लाई है, 5 सूत से ज़्यादा मोटी लगती नहीं, तो आपको 1/2 इंच के पेच लेने होंगे और उससे ही प्लाई टाइट करें। अगर आप इससे ज़्यादा मोटे बड़े लंबे पीस लेते हैं तो बाहर निकल जाए। आपको फ्रंट जो हमारा मेन होता है उससे मिला कर रखना होता है बेस आगे का, और आपकी जो प्लाई होनी चाहिए वो गुनिया में होनी चाहिए, और अपना जो बेस है वो भी सीधा होना चाहिए। जो हमारा फ्रंट आता है ये सब 1/2 इंच के पेच हैं, 1/2 इंच के जिप्सन के पेच ले सकते हैं आप, ये पार्ट आगे। तो इनको टाइट कर देना आप जितने पेचों की जगह है। उसके बाद टाइट करने के बाद इसमें एक पत्ती होती है, ये साइड में पत्ती होती है जो पेचों के बराबर में, वो आपको दबानी होती है। आप इसको हथौड़ी से दबा सकते हैं, ये आपको जब दबानी, जब आपकी फ़ाइनल होती, जैसे आपके प्लाई नीचे का बेस फाइनल हो गया, जैसे आपको सनमाई का लगानी, नीचे सनमाई का लगा सकते हैं, उसके बाद ही आप पत्तियों को दबाएं, क्योंकि बाद में ये फिर निकलती नहीं है। एक बार ये आपको इस तरीके से पहले फिटिंग करनी होगी, उसके बाद ही आप इसको पक्का कर सकते हैं, जब आपका सनमाई का लगने के बाद तैयार हो जाता है। तो ये पत्ती इस तरीके से लोग ये दब जाते हैं। ये प्रॉपर आपको जैसे 4 पेज आते हैं तो 4ों पेज कसने हैं, अगर आपके पास 3 पेचों की जगह है तो 3 ही पेज कसने हैं आपको, पेज पूरे कसने हैं आपको इसमें प्रॉपर, क्योंकि 1/2 इंच के पेच है जो अपने बास्केट रुकी रहती है, इन्हीं पेचों के ऊपर रुकी रहती है पूरी बास्केट। तो इस तरीके से लग जाती है। इसमें आपका जैसे सॉफ्ट क्लोज होता है तो इसमें आपका फ़ायदा इतना है कि आपके अगर जैसे बास्केट बाहर है तो ये अपने अंदर को खींच लेती है। इसको आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बाहर थोड़ा खींच के अपने आप छोड़ भी सकते हैं तो अपना आप ये बंद हो जाती है, देख सकते हैं इस तरीके से बंद हो जाती है। तो इसमें इस तरीके से लगा सकते हैं, और इसमें जो आपको निकालना, तो ये लॉक्स हैं इस तरीके से ये अपना बाहर निकलता है, ये ऊपर लॉक उठा के आपके ऊपर उठा के इस तरीके से निकल जाती है। तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, बहुत आसान है ये लगानी, आपकी टेलीस्कोप से भी आसान है वैसे लगानी। और आप इसमें जैसे आपका जो मत्था होता है, मत्थे के जो लॉक्स होते हैं, तो आपको वो जो निकालने हैं वो यहाँ से, जैसे हमारे साइड में पत्ती होती है तो यहाँ इसमें आगे वाली जो पत्ती की साइड होती है पेच होता है, इसको राइट साइड में घुमाना होता है आपको। राइट साइड में घुमाने के बाद आपका ये लॉक्स बाहर आ जाता है, इसको आप प्रॉपर यानी घुमाना आपको पेचकस से, तो आपकी ये जो लॉक्स है ये बाहर आ जाता है इस तरीके से, ये अपना लॉक्स बाहर आ गया। आपको जो लगाना है फिर अपना इस तरीके से ही आप घुमा के लगा सकते हैं पेचकस से, आप इसको ज़बरदस्ती नहीं लगा सकते, पेचकस से ही घुमाना पड़ेगा आपको, इस तरीके से नहीं लगता। ये जो हमारा पकड़ होती है वो उससे लॉक्स की होती है, तो लॉक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, एक एक दो बार तो लग जाएगा आपका, अगर नहीं लगेगा तो आपको पेचकस से ही घुमा के लगाना होगा ये। और इसके लगाने के बाद जैसे अपना आपको सेट करना होता है, जैसे ये पीछे जो हमारे 2 पेच हैं ये मत्थे को ऊपर नीचे सेट करने का होता है, आगे पीछे और ऊपर नीचे, इसलिए होता है 2 पेज जो होते हैं हमारे पीछे की साइड बैक साइड में, और बाकी ये लॉक्स का होता है, ये इस तरीके से लॉक्स इसमें फिट हो जाता है। तो मत्था जो होता है हमारा ये 4 पेचों पे रुकता है, ये अपना ऊपर से इसका जो कवर है इस तरीके से लग जाता है। तो ये अपना इस तरीके से पेच भी नहीं दिखते हैं और पैकिंग भी जाती है, तो ये देखने में अच्छा लगता है। तो आपको ये प्रॉपर लगाना है, इस तरीके से बंद कर देना, इस तरीके से आप फिटिंग कर सकते हो आसानी से। तो ये अपना इग्नोटेक, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और आप भी आसानी से कर सकते हो। अगर आपका हेल्पर है, हेल्पर भी कर सकता है अगर इसको आप इस तरीके से बता देते हो तो।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो डिसलाइक करते हैं वीडियो को भाई, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो के अंदर क्या कमी थी, तो मुझे पता भी चलेगा तो मैं उसको आगे सुधार कर सकूँ उस चीज़ का। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर कर दें डिसलाइक करने वाले। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अगली वीडियो फिर मिलते हैं आप। थैंक यू फ्रेंड।